मैं पंकज कुमार विराट, नॉटी गैंग का डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और ये मेरे हीरो हैं वीरेन बीका, विविदा कीर्ति और कैफ खान। अभी कुछ लोग और आ जाएंगे भी जो कास्टिंग में है। तो हमने की फिल्म बनाई है नॉटी गैंग, कॉमेडी फिल्म है। और आजकल बहुत ही बेरोज़गारी पे बहुत बेरोज़गारी फैली हुई है, तो उसको लेके हमने कॉमेडी में कुछ सोचा कि आजकल जो लड़के लड़कियां हैं कि बहुत छोटे रास्ते से बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं, बाई हुक बाई क्रूक कैसे भी, कि भाई हमारे को नाम भी चाहिए पैसा भी चाहिए। तो वो एक सब्जेक्ट हमने उठाया इसमें कि गांव के तीन लड़के हैं जिनका एक यही है कि बहुत बड़ा बनना है हमारे को कैसे भी। वो एक चोरी करते हैं गाँव में, वहाँ पर फंसते हैं, वहाँ से निकलते हैं वो, तो वो एक बड़े शहर में गोवा में पहुँच जाते हैं जहाँ पे तीन चार लड़कियों का एक ग्रुप है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसे ही। तो एक उनका गैंग चल रहा है और इसी में एक रोमियो है जिसका अपना एक गैंग है, विलेन है वो। तो ये तीन गैंग इकट्ठे होके और फिर ये क्या मस्ती मजाक करके सारा एक दूसरे को कैसे टॉम एंड जेरी स्टाइल में ओवर पावर करते हैं, कभी लड़के लड़कियों को ओवर पावर करते हैं, बीच में एक विलेन जो वो मुकेश तिवारी जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं रोमियो का, तो ये सभी में फिर आपस में छीना झपटी ये वो सब उस तरह का सब्जेक्ट है। लेकिन लास्ट में क्या है कि उसका मॉरल यही है कि हम कितना भी कुछ गलत रास्ते पे चल पड़े लेकिन लास्ट में हमारे को अपने जो हम अपने रिलेशंस भी याद आते हैं, हमारे को एथिक्स भी याद आते हैं, तो हमारे को साफ सुथरे रास्ते से ही अपना चलना चाहिए। अदरवाइज़ कुछ भी याद नहीं लगता, हमारे रिलेशंस भी ख़त्म हो जाते हैं और पैसा वैसा जो हम सोचते हैं बहुत बड़ी चीज़ें हैं वो कुछ भी हमारे को याद नहीं आता। तो ये वन लाइन इसका स्टोरी है और 31 मई को ये रिलीज़ हो रही है हमारी फिल्म। इसका प्रमोशन वगैरह अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी आप जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें। जी जी मैडम, आप बताएं अपने बारे में और किस प्रकार का किरदार है और कितने एक्साइटेड हैं आप। मेरा नाम है विविधा कीर्ति और मैं इस मूवी में लीला का रोल प्ले कर रही हूँ। लीला शी इज लाइक डॉन यू कैन से, और मतलब मैं जो ये सर ने बताया कि जो एक लड़कियों का ग्रुप होता है तो उसमें मैं उनकी बॉस का रोल कर रही हूँ और आई एम द वन जो उन लड़कियों को जो भी बाकी आप मूवी भी देखेंगे मैं ये सरप्राइज ख़त्म नहीं करना चाहती। एग्जैक्टली, सो एंड या ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली हमारी मूवी रिलीज हो रही है क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एंड सर, और मूवी आजकल आपको पता ही है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन रिलीज का थोड़ा सा इशू रहता है, बट हाँ थैंक्स टू यू सर फॉर रिलीजिंग एंड हम एक्ट्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है एंड आई एम रियली एक्साइटेड। तो लीला का रामलीला नजर आएगा इस फिल्म में? हाँ जी बिल्कुल, आपको बहुत वेरिएशंस दिखेंगी और लीला की रामलीला भी और रासलीलाएं भी दिखेंगी। नहीं वैसा नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन कॉमेडी है ये, इसमें वल्गैरिटी कहीं पे नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन है। सो एज यू नो इट्स अ कॉमेडी मूवी सो It has a comic timings और सब कुछ mixture है, so you'll enjoy. Okay, sir, आप बताएं। जी सर, आप बताएं। सर मेरा नाम कैफ खान है और I think मेरी आपकी मुलाकात हो चुकी पहले भी, पहले वाले सेट पे। सर ये फिल्म बहुत कमाल की फिल्म है, सर ने बहुत प्यार से लिखी है, पंकज विराट सर ने, और ये तीन लड़कों की जो कहानी सर ने पिरोई है जिस तरह से आप देख के, मतलब आजकल बहुत सारी फिल्में आती है 100-200 करोड़ की फिल्में बनती है वो भी नहीं चल पाती, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी फिल्में होती हैं जो बहुत बड़ा काम कर लेती क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बड़े कमाल के होते हैं। तो सर ने बहुत ही बेझिझक होके कमाल की जो स्क्रिप्ट लिखी है और कमाल की जो उसमें टाइमिंग है कॉमेडी की, जो सर ने जिस तरह का शूट किया है वो काबिल तारीफ़ है, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है। आप लोग सभी मतलब जब भी आप फिल्म ये रिलीज होगी देखेंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि वाकई में एक नीट एंड क्लीन और एक अच्छी कॉमेडी फिल्म अभी हमें सर ने दी है वैसा है। रिलीज पे है फिल्म? जी सर। धड़कने तेज है सर? धड़कने नहीं, सब कुछ तेज है सर। जी 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 सर जी, कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं सर? देखिए आशाएं तो बहुत सारी हैं, जिस तरह का काम किया है फिल्म में और जिस तरह का मतलब सब ने एक एक मतलब मेहनत की गई है फिल्म के लिए सर, तो आशाएं बहुत सारी हैं क्योंकि सर आशाएं नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम है सर, आशाएं रखना बहुत ज़रूरी है और ये फिल्म कमाल की है सर और आशाएं अच्छी चीज़ से रखी जा सकती है, तो हम लोगों की सबकी बहुत आशा है कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे, आप लोगों को सबको बहुत पसंद आए, जो देखने वाली ऑडियंस है, जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, देखिए आज के टाइम पर सर जो भी इंसान थिएटर में जाता है वो दो घंटा 20 मिनट 10 मिनट के लिए जाता है, वहाँ पर टेंशन के लिए नहीं जाता है, वो जाता है कि भाई 2 घंटा उसका दिमाग से कोई रिलीज हो चीज़ें, जाके वो सुकून से बैठ के हंस खेल के वहाँ से आ सके। तो हमने पूरी कोशिश की है सर उस तरह की फिल्म बनाने की, बाकी आप ऑडियंस हैं बहुत सारे लोग हैं वो देखेंगे तो हमें तब पता चलेगा सर हमने क्या किया है सर। ये सर आप बताएं।
इंट्रोडक्शन। लीला के साथ कैसा रासलीला या रामलीला? मेरा नाम वीरेन बिक्का है। मेरा वैसे इस फिल्म में सभी के साथ, लड़कियों के साथ खास करके रासलीला ही चलती है लगभग, क्योंकि मैं गांव में एक लड़की जो मेरे से बहुत मोहब्बत करती है, जो विद्या का रोल प्ले कर रही है, वो मेरे लिए इतना पागल है लेकिन मैं उसको कुछ भी नहीं समझता, और उसके बाद वो उसका मिसयूज़ करता हूँ मैं कैसे भी करके। फिर हम चले जाते हैं गांव से बाहर, थेरेपी सेंटर में चले जाते हैं, बीच में और बहुत सारी घटनाएं होती है जिसमें भी हम लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। थेरेपी सेंटर में हैं लीला के साथ तो हमारा थोड़ा ज़्यादा तालमेल बैठा है, और भी एक दो कैरेक्टर हैं उसके साथ, मतलब लड़कियों के साथ थोड़ी रासलीला मेरी ज़्यादा रही है। और जैसा मेरा रियल कैरेक्टर है और इस फिल्म में थोड़ा डिफरेंट है बिल्कुल, तो मूवी बहुत अच्छी लिखी है सर ने, और कैरेक्टर जो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर लिखे हैं सभी के, वो सबसे भिन्न प्रकार के कैरेक्टर हैं सभी के, अलग अलग ये है, आपको सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग दिखेंगे। और मैं वैसे जयपुर से हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और मैंने 4 साल जयपुर में थिएटर किया, उसके बाद मुंबई आया, यहाँ पे मैंने वर्कशॉप वगैरह की, एक्टिंग क्लासेज ज्वाइन की, और थिएटर में जयपुर में मैं एक प्ले कर रहा था, उसमें पंकज सर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपको एक फिल्म के लिए लीड रोल के लिए लेना चाहते हैं, तो वो पल मेरे लिए बहुत खुशी का पल था, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं ये ना, मतलब एक्टर बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा लगा हमारे। थैंक यू सर, आपको मतलब कुछ तो मेरे अंदर दिखा, और जब मैं ये कर रहा था उसके बाद सर ने मुझे बुलाया प्ले के बाद, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम फिल्म कर रहे हैं उसके लिए आपको लीड रोल में लेना चाहते हैं। ओके पंकज जी, 31